ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव सुधीर शर्मा ने हिमाचल सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जयराम सरकार के 4 साल का कार्यकाल छुट्टियां मनाने जैसा लग रहा है, जो 1 साल बचा है उसमें सरकार को काम कर लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा केंद्रीय विश्वविद्यालय निर्माण के मामले को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से सही उत्तर नहीं मिलने की सूरत में कांग्रेस पूरे जिले में आंदोलन शुरू करेगी और आने वाले 1 साल तक सभी ब्लॉकों में आंशिक भूख हड़ताल भी की जाएगी। वहीं सुधीर शर्मा ने कहा 4 लेन प्रभावितों को मुआवजा देने के बारे में सरकार को उचित निर्णय लेना चाहिए। होता है ना, बंदर के हाथ में नारियल दे दें तो उसको पता नहीं लगता है कि मैं इसको खाऊं या सिर पे मारूं। तो ये हाल वर्तमान सरकार का है। आप दूसरी राजधानी के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को आप कहते हैं हमने पत्र लिखा है, बताइए कैसे चलानी है। तो ये कौन सी कोई नई वहाँ से टेक्नोलॉजी आएगी कि आप दूसरी राजधानी चलाना भी महाराष्ट्र की सरकार से सीखेंगे या किसी दूसरे राज्य की सरकार से सीखेंगे कि बताइए हम क्या करें। ऐसा ही आपने जो लैंड एक्विजिशन हो रहा है उस पर भी एक कमेटी गठित कर दी है कि दूसरे राज्यों से पूछ कर क्या हो। तो ये तो मेरा मानना है कि जिस नेतृत्व में इच्छा शक्ति की कमी होती है, जो काम नहीं करना चाहता या जिसको पता ही नहीं है कैसे करना है, वो इस तरह की बातें करता है ना। लेकिन अब करने को है भी क्या, ये 1 वर्ष बचा है, इसका तो पता भी नहीं चलेगा कब निकल गया, जैसे 4 सालों का पता नहीं चला इनके। मेरा ये मानना है कि विफल ये कार्यकाल रहा है और इससे जनता के साथ साथ प्रदेश के साथ भी अन्याय वर्तमान सरकार ने किया है।